बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज किड्स स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। शायद कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कि पॉपकॉर्न पसंद ना हो, पॉपकॉर्न सारे ही बच्चों को पसंद आते हैं, तो आज हम उनके लिए खास बना रहे हैं ये चिकन पॉपकॉर्न, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, और इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1.5 कप चिकन। तो ये मैंने इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो हमें ये बोनलेस चिकन लेना है, 1 अंडा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, नमक लेंगे हम टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून विनेगर, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून सोया सॉस, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम ये 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे पास फ्रीजर किया हुआ था, और 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो ये 15 मिनट में तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो इसको अभी हम एक साइड रखते हैं और हम लेते हैं एक प्लेट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 1 कटोरी भर के ब्रेड क्रम्स। मेरे पास ये ब्राउन ब्रेड्स का है, अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट ले लें। और 1/2 कटोरी हमने लिया है यहाँ पर ये मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून ही हमने ले लिए ये चिली फ्लेक्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़ा सा मैं बारीक कटा हरा धनिया मिला देती हूँ। आप चाहें तो इसमें आप पिज्जा सीजनिंग भी मिला सकते हैं, ओरिगेनो भी मिला सकते हैं आप। अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो आप इसमें मेथी पाउडर का भी फ्लेवर दे सकते हैं। अब ये चिकन पीसेस को हमने ये ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। तो इस तरह से हमने ये सारे कोट करके एक साइड रख लेने। तो ये देखिए हमने सब ये कोट कर लिए। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हमने मीडियम फ्लेम पर मीडियम ही ऑयल गरम किया है। तो ये एक एक पीस करके हम इसमें ये डाल देते हैं। अभी इनको हम टच नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देते हैं। तो ये 1 मिनट हो चुका है, अब हम इनको ऐसे हिला देते हैं और इनको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। तो इनको हम एक प्लेट में किचन टॉवल रखकर उस पर निकाल लेते हैं। और जो हमारे बाकी के हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये सब फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो अब हम लेंगे एक ये सर्विंग बाउल, ये काफ़ी गर्म है तो मैं स्पून से इसको सर्व करूंगी। तो लीजिए हमारे ये चिकन पॉपकॉर्न अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि मेरा ये किड्स स्पेशल के सारे एपिसोड्स आपको कैसे लगे। मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो मिलती हूँ फिर एक और नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।